नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता फिर से आपको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। मैं आज फिर से आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है परवल मसाला। इसे कोई भी बना सकता है और किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही झटपट, बहुत ही ईजी रेसिपी है, जिसे हम कभी भी बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं ये रेसिपी। चलिए दोस्तों, अभी हम परवल सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने परवल और आलू को काट लिया है ऐसे, और इसके लिए मैंने सिर्फ मसाले में एक प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। अभी शुरू करते हैं। पहले इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। दो चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म होने रहते हैं। अभी इसमें हम थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। परवल और कलौंजी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। इसको थोड़ी देर फूटने देते हैं। इसमें अभी हम डालते हैं परवल और आलू अच्छे से पकना जाए। अभी दोस्तों देखते हैं, देखिए आलू और परवल थोड़ा सा कलर चेंज करने लगे हैं। अभी हम इसी टाइम में नमक और हल्दी डाल देंगे। तो आपके हिसाब से नमक, करीब आधा चम्मच डाल। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे अभी हम इसको ढक देंगे और फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही स्लो में आंच में इसको। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा परवल और आलू किस तरह पका लिया है। गैस के फ्लेम को बढ़ा दिया है। अभी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, आप चाहे तो ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा शुगर डालेंगे टेस्ट बैलेंस के लिए। इसमें हम ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला रखा था, एक ऑनियन, एक टमाटर और एक हरी मिर्ची का, हम इसको इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला गया है। अभी इसको हम ढककर 2 घंटे मसाला पकने तक पकाएंगे, फिर उसके बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे। चलिए इसको हम ढक देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं। 1 मिनट के बाद दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारे मसाले ने इतना तक काम कर लिया है। हाँ, अभी थोड़ा कसर बाकी है। अभी इसी वक्त हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, जो मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर यूज़ किया हुआ है, इसका नाम है सोल्ट फ्लेवर का ये जीरा पाउडर है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है।
अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं अंदाजे से। वही सॉल्ट फ्लेवर का मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर भी लिया हुआ है। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालें, जीरा पाउडर हाफ चम्मच और धनिया पाउडर एक चम्मच डालें। धनिया पाउडर का स्मेल बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये सॉल्ट फ्लेवर का मसाले खरीदना है या यूज़ करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका प्रोसीजर बताऊँगी। अभी इसी को ऐसे ही लो फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे लटकर, जब तक कि ये मसाले अच्छे से लटपटा ना हो जाए। देखिए दोस्तों, ये मसाला बिल्कुल पक गया है। मैंने इसे बीच बीच में 2-3 बार चलाया हुआ है। थोड़ा सा हम अपना फ्लेम हाई कर देंगे क्योंकि अभी परवल और आलू को थोड़ा और टाइम लगेगा पकने के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम अभी पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि ऑलमोस्ट ये पक गया है। थोड़ा सा इसको मसाले में और थोड़ा सा लटपटा होना है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे ढककर पका लेंगे, इसके बाद हमारा परवल मसाला रेडी हो जाएगा। चलिए 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, हमारा परवल आलू का मसाला एकदम रेडी हो गया है। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए आलू भी पक गया है और परवल भी पक गया है। हम इसको अभी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसालेदार परवल आलू का मसाला रेडी हो गया है। अब इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है, जरूर से ट्राई करिए, बहुत ही यम्मी होता है और वेज के दिन में इसे आप आराम से खा सकते हैं। और मेरी रेसिपी को लाइक जरूर करिए, कॉमेंट जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही।